जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हूँ। मेरा आज का जो वीडियो है ASC सेंटर साउथ 280C, आप लोग की जो रिक्रूटमेंट निकल के आई थी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। 25 जून 2022 से इसके ऑफलाइन अप्लाई हुए थे, जो कि 15 जुलाई 2022 तक आप लोग की ऑफलाइन अप्लाई चले थे। 458 टोटल वैकेंसी थी ASC सेंटर साउथ और ASC सेंटर नॉर्थ में। आप लोग की वैकेंसी ASC सेंटर साउथ में आप लोग की कुक की वैकेंसी थी, सिविलियन कैटरिंग की वैकेंसी थी, इसके अलावा चौकीदार और एक्सेट्रा कई ट्रेडों में वैकेंसियाँ थी। इसी प्रकार से ASC सेंटर नॉर्थ में आप लोग की जो थी फायरमैन की काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, और सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी, क्लीनर की वैकेंसी आप लोगों की काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। 458 टोटल वैकेंसी थी 2021 के बाद। आप लोगों की 2022 में भी आप लोगों की रिक्रूटमेंट निकल के आई थी। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप लोग के यहाँ पे एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एडमिट कार्ड आ रहे हैं। जी हाँ, बच्चों के एडमिट कार्ड ऑफलाइन भी आए हुए हैं, एडमिट कार्ड के मैसेज भी आ रहे हैं, और इसके अलावा एडमिट कार्ड के जो है आपका मेल वगैरह भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो पूरी जानकारी मैं आज आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है ASC सेंटर आप लोग देखेंगे, ये आप लोग की वैकेंसी थी, जिसमें कि आप लोग की तरह कई पोस्टों के लिए यहाँ पे वैकेंसी थी। यदि आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो आप लोग को पूरी जानकारी यहाँ पे होगी। आप लोग देख सकते हैं कुक की वैकेंसी थी 16 वैकेंसी, इसी प्रकार से कैटरिंग की वैकेंसी थी 33, MTS चौकीदार की काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी 128 टोटल वैकेंसी पोस्ट थी यहाँ पे। SC वालों के लिए इसमें नहीं थी, लेकिन जनरल ST और OBC और EWS की वैकेंसी थी, ठीक है। इसी प्रकार से टीन स्मिथ की वैकेंसी थी, और इसके अलावा आप लोग की EBR की वैकेंसी थी, बार्बर की वैकेंसी थी, कैंप गार्ड की वैकेंसी थी, या MTS गार्डनर की और MTS मैसेंजर की भी वैकेंसी अच्छी खासी थी। इसी प्रकार से ASC सेंटर नॉर्थ के अंतर्गत आप लोग की जो है सेक्शन ऑफिसर फायरमैन की काफ़ी अच्छी 59 वैकेंसी निकल के आ रही थी, और फायर इंजन ड्राइवर की 3 वैकेंसियाँ थी यहाँ पे। और अभी मैं आप लोग क्लियर कर दूं, इसमें नेक्स्ट जो थी आप लोग की सिविलियन मोटर ड्राइवर की 153 वैकेंसी थी। जी हाँ, चौकीदार के बाद जो है सिविलियन मोटर ड्राइवर की ही वैकेंसी सबसे ज़्यादा है 153। इसी प्रकार से क्लीनर की आप लोग की 20 वैकेंसी थी। तो इन सभी वैकेंसियों में से आप लोगों ने किसी के लिए अप्लाई किया तो आप लोग के एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। ऑफलाइन एडमिट कार्ड हो या फिर आप लोग को ऑनलाइन मेल वगैरह आया हो, आप लोग के एडमिट कार्ड इशू किए गए। तो यदि आप लोग अभी एडमिट कार्ड आया है तो मुझे जानकारी दीजिए, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके अलावा आप लोग के क्या परसेंटेज थी इसकी भी जानकारी आप लोग दें, ट्रेड की जानकारी दीजिए, ताकि मैं आप लोग को आगे इसी प्रकार से वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं। तो आप लोग यहां पे देखेंगे वैकेंसियां आप लोग की जो है कई स्टेशनों पे आप लोग की वैकेंसियां थी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में। तो आज मैं आप लोग को बात करने वाला चौकीदार के लिए। जी हाँ, चौकीदार में आप लोग देखेंगे अहमदाबाद, अम्बाला, अमृतसर, औरंगाबाद, बेंगलोर, बरकपुर, और इसी अलावा बठिंडा, भूज, चेन्नई आप लोग की काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ निकल के आ रही थी। और इसके अलावा आप लोग की जो थी यहाँ पे दानापुर, फिर दिल्ली, फैजापुर, जबलपुर, जालंधर, गया, ग्वालियर, जोधपुर, मींस कई स्टेशनों पे आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही। तो मैं आप लोग यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आप लोग के एडमिट कार्ड आ रहे हैं। जी तो चौकीदार के लिए आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कि मुझे यहाँ पे चौकीदार का एडमिट कार्ड सेंड किया है, तो चौकीदार से रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। तो ये इनका जो है ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड आया है, तो आप लोग भी एक बार जरूर चेक कीजिए। ऑनलाइन मेल वगैरह आप लोगों को आया होगा, आप लोग देख सकते हैं ये कॉल लेटर है, रिटर्न एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट सिविलियन ग्रुप सी पोस्ट है, MTS चौकीदार की वैकेंसी है। जी MTS चौकीदार की वैकेंसी है, ग्रुप सी की है। नाम, फादर नेम, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप लोग के दिए, और यहाँ पे जो आप लोग को रिपोर्ट करना है ASC सेंटर साउथ बेंगलोर में, इनको रिपोर्ट करना है चौकीदार वालों को, इनका जो लेटर है, और इनका रिटर्न एग्जाम है। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम है। और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, MTS चौकीदार का जो रिटर्न एग्जाम है 5 सितंबर और 7 सितंबर की जानकारी मुझे मिली है। इनका जो रिटर्न एग्जाम है 5 सितंबर 2022 में है, 6 बजे इनको रिपोर्टिंग कर देनी है, और 9 बजे के बाद जो है कोई भी कैंडिडेट अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। 6 बजे आप लोग पहुंच जाइएगा, और 9 बजे से आप लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट है। लास्ट टाइम आप लोग का 9 बजे का ही है, ठीक है। और जो इनका लोकेशन रहेगा, आप लोग का लोकेशन जो इनको पहुंचना है वो गेट नंबर 4 पे पहुँचना। जी हाँ, ASC सेंटर एंड कॉलेज गेट नंबर 4 पे पहुँचना है, ASC सेंटर साउथ बेंगलोर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गेट नंबर 4 पे आप लोग को पहुंचना है, और 5 सितंबर में 6 बजे तक आप लोग को पहुंच जाना है। चलिए, इसके अलावा आप लोग को, और यहाँ पे मैं बिल्कुल आप लोग को क्लियर कर दूँ, इनका जो चौकीदार वालों का आप लोग का रिटर्न एग्ज़ाम ही है। रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ऐसा हो सकता है कि आप लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाए। जी हाँ, फिजिकल के लिए बुलाया जाए, और ये डिपार्टमेंट ही तय करेगा, क्योंकि इससे पहले जो रिक्रूटमेंट आप लोग की आई थी, काफ़ी बच्चे परेशान थे, सर किसके लिए एडमिट कार्ड आए हैं, फिजिकल होंगे नहीं होंगे, क्या होंगे। तो मैं आप लोग बता दूं, इससे पहले 2021 में आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी, जिसमें कि आप लोग की काफ़ी वैकेंसी थी यहाँ पे। इसमें एक वैकेंसी थी आप लोग की लेबर की 193 वैकेंसी थी। इसमें पहले आप लोग का रिटर्न एग्जाम हुआ था, फिर इसके बाद इनको जो है फिजिकल के लिए बुलाया गया। फिजिकल के बाद इनका फाइनल मेरिट लिस्ट अभी नहीं आई है, लेकिन जल्द ही इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी।
तो इसी प्रकार से चौकीदार को भी जो है रिटर्न के बाद फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। और एमटीएस चौकीदार के लिए आप लोग की क्वालिफिकेशन ओनली और ओनली 10th पास थे तो आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है। एडमिट कार्ड की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है, एडमिट कार्ड आप लोग देखेंगे, प्रिंट आउट कॉल लेटर आप लोग लेके जाएंगे, ठीक है। कॉल लेटर आप लोग ले लेंगे, इसके अलावा आधार कार्ड आप लोग ले लेंगे, ठीक है। आप लोग का कॉल लेटर हो गया यानी कि एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, और 10th की मार्कशीट आप लोग ले लेंगे, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग ले लेंगे। यदि आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट मीन्स लगता है आप लोग SC ST OBC से आते हैं, EWS से आते हैं, तो आप लोग को एक सर्टिफिकेट लेना होगा, जनरल वालों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और EWS सर्टिफिकेट जो है आप लोग का 1 ईयर का ही होना चाहिए, जी हाँ 1 ईयर तक का ही इशू हुआ हो, उससे ज़्यादा पुराना ना हो। PWD कैंडिडेट है तो आप लोग को डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो ये आप लोग का रिटर्न एग्ज़ाम है और रिटर्न के लिए ही आप लोग को यहाँ पे बुलाया गया, ठीक है। कोविड के कुछ रूल्स वगैरह दिए हैं, मास्क वगैरह ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सैनिटाइजर वगैरह आप लोग ले लेंगे, डिस्टेंस का आप लोग पालन करेंगे, ठीक है। और ऑल अबव डॉक्यूमेंट मैंडेटरी, सभी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा, ज़रूरी हैं, इसके बिना आप लोग को रिटर्न एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये हो सकता है ओनली और ओनली आप लोग का रिटर्न एग्ज़ाम ही हो। तो कॉल लेटर, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ठीक है, मार्कशीट सर्टिफिकेट ओरिजिनल, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS, PWD, यही चीज़ें आप लोग को लेके जानी है, कुछ और स्पेशल चीज़ आप लोग को लेके नहीं जाना है। पहले आप लोग का यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम ही होना है, रिटर्न एग्ज़ाम के लिए ही बुलाया गया। इसके आगे क्या होगा इसकी जानकारी भी आप लोग को मिलती रहेगी। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग लिंक दूंगा, लिंक पर क्लिक करके आप लोग जो है यहाँ भर्ती देखो पे आ जाएंगे। भर्ती देखो पे आने के बाद आप लोग देखेंगे पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे मिलने वाली ASC सेंटर साउथ 280C बेंगलोर की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, कितनी वैकेंसियाँ हैं आप लोग को पूरी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये क्लियर हो गया है कि भाई चौकीदार वाले स्टूडेंट जितने भी हैं आपके एडमिट कार्ड आ रहे हैं, और एग्ज़ाम आप लोग का 5 सितंबर और 7 सितंबर है, इससे पहले ही आप लोग के एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। मीन्स इसका मतलब आप लोग को जो है सेलेक्ट नहीं किया गया स्क्रीनिंग में। तो इसमें आप लोग को वैकेंसियों की पूरी डिटेल मैंने दी है, इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, नीचे जैसे ही आप लोग आएंगे पूरी वैकेंसियों की डिटेल यहाँ भी है, ठीक है। फॉर्म कब से कब तक अप्लाई हुए, किस पोस्ट के लिए क्या वैकेंसी थी, मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह थी, और इसमें जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद स्टेट वाइज मीन्स आप लोग की जो स्टेशन वाइज वैकेंसियां भी दी गई, किस स्टेशन पे कितनी वैकेंसी हैं आप लोग इसे भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग को जो है नॉर्थ और साउथ दोनों की जानकारी यहाँ पर दी गई। इसके बाद जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आप लोगों को यहाँ पर एडमिट कार्ड सेलेक्शन प्रोसेस की जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग का सिलेबस दिया है जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। सिलेबस के अंतर्गत आप लोग का रिटर्न, फिजिकल या फिर स्किल, मेडिकल के बाद आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और इसमें आप लोग को रिटर्न एग्जाम दिया है, सब आप लोग को रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया गया है चौकीदार जो स्टूडेंट हैं, तो आप लोग रिटर्न एग्जाम की जानकारी लीजिए। आप लोग को जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज आप लोग की 50 क्वेश्चन 50 नंबर की आएगी, मैथ आप लोग की 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी कि 150 क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं, 150 नंबर के 2 घंटे का टाइम आप लोग को मिलने वाला है। 10th लेवल का आप लोग का पेपर आएगा, पेपर काफ़ी अच्छा आता है, OMR बेस आप लोग का एग्जाम होता है, यानी कि जो OMR सीट होती है उसे आप लोग को ब्लैक करना होता है, गोल गोल काले काले करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को जो है 0.25 निगेटिव यानी कि 1/4 आप लोग की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो एग्ज़ाम बहुत ही सोच समझ के और ध्यान से ही आप लोग एग्ज़ाम देंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह दिए गए, जनरल EWS के 35%, SC ST OBC के 33%, यानी कि इससे कम नंबर होंगे तो आप लोग को आप लोग की कॉपी जो है मीन्स आप लोग को सेलेक्ट ही नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में। इसके ऊपर ही आप लोग के नंबर आने चाहिए और मेरिट भी आप लोग की ठीक ठाक रहेगी। क्या मेरिट रहने वाली इसकी जानकारी भी मैं आप लोग को दूंगा। और पूरा पेपर आप लोग का हिंदी और इंग्लिश में होगा, लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आप लोग का इंग्लिश में ही रहने वाला है। तो कॉल लेटर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, चौकीदार का जो कॉल लेटर है इसको भी मैंने अपलोड कर दिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुक से भी रिलेटेड है तो कुक वालों को मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अब नीचे आती है आप लोग की सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, जी हाँ सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग जरूर देख लीजिए, क्या क्या चीज़ें आप लोग को पढ़नी है। जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग के अंतर्गत आप लोग की क्या आएगी, 10th लेवल का आप लोग को आने वाला है। क्वेश्चन जो है आप लोग को नॉन वर्बल टाइप आप लोग को मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है। एनोलॉजी है, होगी सिमिलरिटी डिफरेंस, स्पेस विजुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग देख लेंगे, जजमेंट के क्वेश्चन होंगे, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन होंगे, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आप लोग का जो है, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज आप लोग की यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग की आएंगी। और इसके अलावा आप लोग की जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आप लोगों को जो मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड का ही होने वाला है, और डेली लाइफ में जो आप लोग जो घटनाएं होती रहती हैं इन सब चीज़ों की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए सोसाइटी वगैरह में, ठीक है। और नॉलेज जो भी करंट इवेंट वगैरह है और
साइंटिफिक कुछ भी रिसर्च वगैरह होते रहते हैं, ठीक है, डे बाई डे आप उसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। और मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड का ही आप लोग का आएगा, और इसके अलावा आप लोग को जो है निक बोर्ड जो भी पड़ोसी कंट्रीज़ वगैरह हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं, ठीक है, तो करंट आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे। और इसके अलावा आप लोग को जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत आप लोग को 10th लेवल का आप लोग का आने वाला है, आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम एंटोनिम्स एंड इसकी करेक्ट यूजेस वगैरह आप लोग को पता होने चाहिए। और इसमें आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे अब आप लोग का जो है मैथ है, मैथ के अंतर्गत आप लोग का नंबर सिस्टम आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक और क्वेश्चन, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन आप लोग का यहाँ पे आने वाला है। और इसमें जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे और एवरेज इंटरेस्ट भी आप लोग का आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन आप लोग का आने वाला, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम और टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा आप लोग की यहाँ पे आने वाली। तो ये मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है चौकीदार के जो जिन्होंने अप्लाई किया था, आप लोग के एडमिट कार्ड आ रहे हैं 5 सितंबर 7 सितंबर को आप लोग को यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं। रिटर्न के बाद क्या होगा ये अभी क्लियर नहीं है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप लोग यहाँ आइए। यहाँ आने के बाद आप लोग सिलेबस की जानकारी लीजिए क्योंकि समय बहुत ही कम है। इसके अलावा भी कोई जानकारी लेनी तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, जान पे लिखूंगा यदि चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, बेल आइकन पर बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग क्लियर आता रहो। ओके, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।